दोस्तों हम बात करने वाले हैं 48x45 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये मॉडल पोर्च के साथ मैंने डिज़ाइन किया है और साथ साथ दो भाइयों के लिए डिज़ाइन किया है। अगर आपके घर में दो भाई हैं और आप भविष्य में कभी भी बंटवारा होता है तो उन्हीं को देखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है। बिल्कुल सिमिलर है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, इसीलिए यहाँ पर मैंने पोर्च डिज़ाइन किया कि बाहर से घर आपको बिल्कुल एक सा लगेगा, लेकिन जैसे आप एंट्री करते हैं अंदर तो आपको ये डिवाइड होता दिखेगा। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कि 48x45 फुट में ओवरऑल बना है। यहाँ अगर बात करें, ये थ्री साइड क्लोज्ड है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थ्री साइड क्लोज्ड है। सिर्फ आपका फ्रंट में ओपन है और फ्रंट में ये पोर्च का डिज़ाइन है, सिर्फ विंडो वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लगातार, मैं हूं झगड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो जो आज का मॉडल है 48x45 में, देखिए फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है सामने से आपका रोड है और इसके बाद ये पोर्च का डिज़ाइन है। पोर्च में आपको स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर चढ़ना होगा और उससे आपको दो पिलर मिलते हैं। इसके बाद आपको एक बीम मिलता है जो कि कर्व्ड शेप में है और इसके बाद ये आपका पीओपी का डिज़ाइन ऊपर से बना हुआ है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। मेन डोर इसका ये, यहाँ से एंट्री करेंगे, मेन डोर के दोनों साइड में विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। और आप जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा गैलरी मिलता है और बीच में एक हॉल मिल जाता है आपको। इसी हॉल से पूरे घर में आपकी एंट्री होने वाली है और यहाँ अगर हम बीचों बीच से डिवाइड करते हैं तो आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलने वाली है, सिमिलर मिलने वाली है। इसीलिए आपको जब भी इसका भविष्य में बंटवारा करें तो बीच में एक वॉल आपको खड़ी करनी होगी और आपका आसानी से बंटवारा दो पार्ट्स में इसका डिवाइड हो जाएगा। तो अब जैसे एंट्री करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले आपको इस हॉल में आना है। इस हॉल के बाद आपको मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले डिस्कस करता हूँ। तो ये वाला एरिया आपका सबसे पहले किचन है जिसका आपका डोर आपको हॉल से दिया गया है और फ्रंट से विंडो है। जो आप सामने से विंडो देख रहे थे ये किचन का विंडो है। और इसका यहाँ से एंट्री करते आप इस बेडरूम में आ जाते हैं। इस बेडरूम में के साथ अटैच्ड एक पूजा घर मैंने क्रिएट किया है, जो आप विंडो बाहर देख रहे हैं सिंगल डोर का, ये आपका विंडो है और यही आपका पूजा घर है जो मैंने इस रूम से अटैच्ड क्रिएट कर दिया है। और ये एक विंडो है इस वाले बेडरूम के लिए वेंटिलेशन के लिए। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एक आपको बेडरूम मिलता है और किचन और पूजा घर। इसके बाद पीछे की बात करें तो इस कॉर्नर पर आपको एक और बेडरूम मिलता है, यहाँ से एंट्री है। और ये आपका एरिया है लेट एंड बाथ है, आपका कम्बाइंड है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस बेडरूम से। और इस बेडरूम से बीच आए तो आप दो दे सकते हैं क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक लेट एंड बाथ यहाँ पर मैंने अंदर किया है। इसके बाद अगर हम सबसे पीछे जाते हैं तो आपको स्टेयर्स मिलती हैं यहाँ से चढ़ने के लिए और टर्न होकर वापस आएंगे। तो उसी के नीचे लेट एंड बाथ और मैंने क्रिएट किया है। आप उसे दो पोर्शन में जब भी डिवाइड करेंगे तो बीच में एक वॉल खड़ा हो जाएगा और आपका दो पोर्शन आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगर राइट हैंड की बात करें तो सिमिलर जैसा ये आपका स्टेयर्स है उसी के जस्ट सिमिलरिटी में यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद फिर से राइट हैंड में ये किचन है और ये पूजा घर है, बेडरूम है, जो सेम उसी बेडरूम से होते हुए आपको पूजा घर में यहाँ पर आना होगा। और एक इस किचन की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर विंडो दिया है, इस बेडरूम में भी विंडो दिया है और सबसे पीछे एक कॉर्नर पर बेडरूम और ये कम्बाइंड लेट एंड बाथ फिर से दिया हुआ है। तो 48x55 ओवरऑल जो एरिया था उसमें दो भाइयों के लिए, मतलब अगर आप इसे डिवाइड करेंगे जब भी भविष्य में, तो लगभग 24x45 फिट में आपका एक पोर्शन होगा और 24x45 में दूसरा पोर्शन होगा। तो सिमिलर प्लान बाहर से अगर आप जब भी देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर दिखने वाला है। ये जो पोर्च है ये भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर बीम से मैंने दिया है और आगे आपका पीओपी का डिज़ाइन है। अब हम बात करें लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, फ्रंट में आपका रेलिंग जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका आयरन का रेलिंग है और उस पर पेंट वगैरह है। तो ये आपका पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है 48x55 में। जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट या लाइक करके बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।